स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल। जैसा कि आप हमारे नए दर्शकों के लिए पंडित जी आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, मैं मांडा खास का निवासी हूँ और मैं राज पुरोहित मांडा। आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं। आज ये जो हमारा वासंतिक नवरात्र है, वासंतिक नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। आज से नव वर्ष हमारा प्रारंभ होता है, जितने भी सनातनी लोग हैं। और माता आज शैलपुत्री के रूप में भक्तों को दर्शन देंगी, तो आज विशेष रूप से माता की सेवा की जाती है। अब 9 दिन माता का ही सेवा होगा, तो शैलपुत्री के रूप में जब माता की सेवा हम करेंगे तो उनका पूजन के लिए विशेष रूप से आज घी से माँ की सेवा की जाती है, उनको विशेष रूप से किया। आपने एक बात बताया कि 9 दिन पूजा होती है। हाँ, यानी आज स्थापना का दिवस होता है, जो कलश यात्रा नहीं हुई, उसके बारे में कुछ बताइए, आप क्लियर कीजिए। हाँ, उसमें ऐसा है कि जैसे हम लोग कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले इसमें घट स्थापना का विशेष रूप से मुहूर्त बताया गया है। तो कलश स्थापना इसलिए महत्वपूर्ण है कि कलश जब हम उठाते हैं तो कलश यात्रा करते हैं, और कलश यात्रा करके अब कुंवारी कन्याओं के साथ इसमें पूजन करके और उनके साथ कलश को घुमाते हैं, जहाँ जहाँ माता जी का मंदिर है क्षेत्र में वहाँ पर घुमा करके उनको दर्शन करा करके फिर उसकी स्थापना। अच्छा, तो विशेष कर ये जो सनातनी धर्म का आज जो दिन है जी, तो ये स्थापना दिवस है, क्या इसको कहा जा सकता है? इसको देखिए, हम लोग हमारा जो संवत्सर है, संवत्सर हमारा ये आज से प्रारंभ हो रहा है, आज से प्रारंभ होता है संवत्सर, जो कि ये जो 2080 संवत्सर चल रहा है सनातन धर्म से संबंधित जो संवत्सर है। हाँ, तो उसके हिसाब से आज से हमारा ये 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, और हमारा जो 9 वर्ष है सर, ये ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा 9 संवत्सर है इसमें सारी चीजें नए रूप से प्राप्त होती है। जैसे आप देखेंगे बसंत का समय है, पेड़ों में पत्ते झड़ चुके हैं, नए पत्ते उसमें लग रहे हैं, यानी नया चीज उसमें आ रहा है। साथ ही साथ किसानों की जो व्यवस्था है वो भी देखिए, नई फसल कट के नई फसल किसानों के घर में आती है। तो कुल मिला के अगर आप मानेंगे तो जो ये नया संवत्सर हमारा जो संवत्सर है, यह हमको हर तरीके से हमको नए रूप में प्रदान होता है। बहुत अच्छी बात। जैसे मार्च का महीना है तो यहाँ देखिए क्लोजिंग होती है, बैंक की क्लोजिंग भी 31 को हो जाएगी, 1 अप्रैल से उनका नया जो सेशन प्रारंभ होगा। जी जी जी। तो इस प्रकार से भैया ये जो 9 संवत्सर है हम लोगों का, यह हमारा 9 वर्ष भी है, और विशेष रूप से हम लोग चूँकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो हम लोग माता की सेवा के साथ अपना नया वर्ष प्रारंभ करें। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।